मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर कुछ जिलों में पहले येलो अलर्ट जारी कर दिया था। नूरपुर था आसपास लगते क्षेत्रों में वैसे तो कल दोपहर से ही बारिश होना शुरू हो गई थी, पर बीती रात 3 बजे से बिजली गर्जने के साथ साथ तेज बाहरी बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी ज्यादा तेज हुई कि सुबह होते होते सब जगह पानी हो गया। नदी नाले में भी उफान पर हो गए हैं। कई जगहों पर पहाड़ी भी खिसकने से रास्ते भी अवरुद्ध होना शुरू हो गए हैं। वहीं नूरपुर ब्लॉक के सुलियाली में बारिश की वजह से बाजार में बारिश का पानी इस तरह बहता दिख रहा है कि यह कोई रास्ता नहीं, कोई नदी बह रही हो। बाजार में एक कच्ची दुकान भी बारिश की वजह से गिर गई है। वहीं डिबकेश्वर शिव मंदिर के रास्ते में पहाड़ी खिसकने से रास्ता बंद हो गया है। युवा रिंकू मेहरा ने कहा कि आज बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से बाजार में इतना ज्यादा पानी बह रहा है कि ऐसा लग रहा है यहाँ कोई नदी बह रही है, और मेरी सभी से प्रार्थना है कि वह अपने बच्चों को घर से ना निकालने दे। गांव के नीतीश ने कहा कि बारिश बहुत तेज लगी हुई है, हमने अपने खेतों में जाना था पर बारिश की वजह से पानी इतना ज्यादा हो गया है कि हम कहीं नहीं जा पा रहे। आज बारिश इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि हमने अपने खेतों में जाना था और यहाँ पे इतना पानी आ गया कि हम खेतों में नहीं जा सकते। बारिश इतनी ज़ोर से लगी हुई है कि बाजार में इतना ज़्यादा पानी आया हुआ है कि जैसे लग रहा है कि ये कोई नदी बह रही है। मेरी सभी से प्रार्थना है कि वो अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकले दे। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।